हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर काठमांडू में है वो मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। और वो मेडिकल कॉलेज का नाम है किस्ट मेडिकल कॉलेज, और उसके डिटेल्स हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो किस्ट मेडिकल कैसा है, और अगर उसमें आप पढ़ते हैं तो कैसा कैसा फीचर्स आपको मिलेगा, और जिस तरह से नहीं क्या फैसिलिटियाँ मिलेगा। मोबाइल नहीं है कि कोई फीचर्स मिलेगा या कोई गैजेट नहीं है कि कोई फीचर्स मिलेगा, लेकिन क्या फैसिलिटियाँ मिलेगा, वो किस्ट मेडिकल कॉलेज ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें क्या चीज़ है, आपको लॉन्ग टर्म विजन से ठीक है कि नहीं, सब चीज़ें हम लोग वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, जैसे कि शुरू करने से पहले मैंने किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा, ताकि आपको उसके और डिटेल में समझ आए कि हाँ किस्ट मेडिकल कॉलेज जो हम बता रहे हैं वो कैसा है, या आपका डिसीजन उसमें एडमिशन लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या आने वाले दिन में अगर आपको किस्ट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो कैसा होगा, क्या करना चाहिए आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि यूनिवर्सिटी सबका, कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन मेडिकल कॉलेज लाई करता है और किस में पढ़ाई होता है। तो अगर पूरा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग को फोकस करना है मेन किस्ट पर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे और उसके बाद हम किस्ट पर डायरेक्ट आएंगे। तो नेपाल में 5 यूनिवर्सिटी है, टोटल 5 यूनिवर्सिटी है, और जिसके अंडर में सारे जितने भी मेडिकल 20 मेडिकल कॉलेजेज है, 20 मेडिकल कॉलेजेज है MBBS के लिए। MBBS 20 मेडिकल कॉलेजेज में पढ़ाई होता है, 20 में MBBS पढ़ाई होता है। तो इस 5 मेडिकल कॉलेज 5 यूनिवर्सिटी के अंडर में 20 मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें MBBS पढ़ाई होता है, और सारा है जिसमें MBBS पढ़ाई नहीं होता है लेकिन पारा मेडिकल सब कोर्सेज पढ़ाई होता है। तो 20 में से आउट ऑफ दिस 20 हमें एक किस्ट जो है किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग को यहाँ पर किस्ट मेडिकल मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग को यहाँ पर जानना है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे जैसे कि 5 यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर, 5 जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। तो 5 यूनिवर्सिटी में आपका आ जाएगा यहाँ पर, 5 यूनिवर्सिटी में एक TU आता है, इसे इसका फुल पूरा नाम है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। उसके बाद KU आता है, काठमांडू यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए पार्ट BPKIHS, ये कहने का मतलब कि ये एक मेडिकल कॉलेज का नाम है, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि इंडियन के लिए मस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, मस्ट इंडियन के स्टूडेंट के लिए। और दूसरे में कहने मतलब कि आता है आपको PAHS, पाटन अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि यहाँ पर पाटन अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, ये भी यह ऑटोनोमस है, मेडिकल कॉलेज का नाम है। और यहाँ पर 5वें नंबर में आप KAHS, कर्नाली अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसमें इस साल से फर्स्ट बैच MBBS का स्टार्ट होगा। और यहाँ पर 5 का है, तो 5 में से एक और आता है, जैसे कि बीर हॉस्पिटल का भी आता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 जो मेजर है उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 में से हम इसे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर में यहाँ पर किस्ट मेडिकल कॉलेज आता है। त्रिभुवन जो है यूनिवर्सिटी, वो मतलब कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, और उसके अंडर में किस्ट मेडिकल कॉलेज आता है। और ये किस्ट मेडिकल कॉलेज का लोकेशन और डिटेल हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले एक और इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको हम बताएंगे, जैसे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का क्या फीचर है। तो यहाँ पर आपका जैसे कि TU हो गया, TU त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में MBBS पढ़ाई होने वाले मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो भी काठमांडू वैली में। वैली के अंदर कौन कौन मेडिकल कॉलेज है जो TU में है, आउट ऑफ वैली हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर इनसाइड वैली की बात करेंगे। तो एक पहले मतलब हो गया IOM, इसे IOM को इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, और इससे एक महाराजगंज मेडिकल कैंपस कहकर भी बुलाते हैं। और आप प्रायोरिटी सेट करेंगे तो उसमें आएगा आपका महाराजगंज, या जो भी आपका प्री नॉमिनेशन लिस्ट सब आएगा तो उसी में महाराजगंज आएगा। इस लेकिन यह फेमस नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, इसे टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से, इसका जो हॉस्पिटल है उसे टीचिंग हॉस्पिटल कहकर बुलाते हैं। तो ये किया हो गया टीचिंग हॉस्पिटल वाला। और दूसरा कहने का मतलब आपका आ जाएगा नेपाल आर्मी, जैसे NAIHS, नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो ये हो गया एक
और उसके बाद आएगा किस्ट मेडिकल कॉलेज, ये काठमांडू वैली में बात कर रहा है, जैसे कि ये वैली केटीएम, केटीएम बोलता है काठमांडू, काठमांडू वैली के अंदर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, काठमांडू वैली के। तो ये तीन मेडिकल कॉलेजेस जो है काठमांडू, इनसाइड काठमांडू है ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर जैसे कि बीपीकेएच, बीपीकेएच सबको मालूम है बीपीकेएच, यस। तो बीपीकेएच और आईएम का अगर बाहर से कराते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बीपी फर्स्ट रैंक हो जाता है, उसी तरह से ये आईएम नेपलीज स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट रैंक हो जाता है, उसी तरह से कोई नेपलीज बच्चे के लिए भी ये सेकेंड हो सकता है, कोई इंडियन बच्चे के लिए भी सेकेंड हो सकता है। ये आईएम और बीपी का जो यहाँ पर पोजीशन है, ये आज पर स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं, तो फर्स्ट सेकंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आईएम इंस्टीट्यूट है, जो कहने मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और नेपाल की आप टॉप कॉलेज मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। और उसके बाद नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है, तो वो भी कहने मतलब कि आपको यहाँ पर टफ कॉलेजेस में देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट ही है। और उसके बाद वन एंड ओनली ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है किस्ट, कहने का मतलब प्राइवेट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है किस्ट, और यही एक कॉलेज है जो प्राइवेट है यहाँ पर काठमांडू वैली में अंडर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का ये आयोग जो है सेंट्रल कॉलेज है, और ये सेंट्रल कॉलेज के बीच में मीन्स वैली में इसके नजदीक में, ये आयोग के डिस्टेंस, आयोग कॉलेज का डिस्टेंस और किस्ट कॉलेज का डिस्टेंस अगर बात करेंगे इस दूरी का, तो ऑलमोस्ट आपको 8 to 10 किलोमीटर ले लीजिए कि डिस्टेंस आपको पड़ेगा दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो आपको बहुत ही ये लोकेशन, लोकेशन जो है किस्ट मेडिकल कॉलेज का वो काफी अच्छा है यहाँ पर। अब किस्ट मेडिकल कॉलेज पे आते हैं हम लोग, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हम बात कर लिए आपसे इंट्रोडक्टरी, अब पूरा डिटेल किस्ट मेडिकल कॉलेज को बारे पर बताते हैं आपको। किस्ट मेडिकल कॉलेज, किस्ट मेडिकल, मेडिकल कॉलेज कॉलेज है, किस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पर किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में जैसे इसका लोकेशन की बात करें, तो ये पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में लाई करता है, हम बता ही दिए। उसके बाद आपको ये काठमांडू में है, काठमांडू में है केटीएम वैली के अंदर। और उसके बाद अगर आपको इसका काठमांडू यूनिवर्सिटी और इसका अगर एग्जैक्ट और प्रिसाइज लोकेशन हम लोग देखें, तो ये इमाडोल, इमाडोल में, इमाडोल हम रहते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, हम कोटेश्वर में रहते हैं वहाँ से 4 किलोमीटर, इमाडोल यहाँ इमाडोल काठमांडू में है, इमाडोल काठमांडू में है ये। उसके बाद यहाँ पर इसका प्रिसाइज लोकेशन हो गया, और उसके बाद इसका स्टडी मीन्स सीट के बारे में, स्टूडेंट को कितना सीट मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीट के बारे में बात करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट मीन्स वन ऑफ द बेस्ट 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 प्राइवेट कॉलेज जो है टीयू के अंडर में, हमने शुरू में बता दिया टीयू के अंडर में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। और इनसाइड वैली, तो इनसाइड वैली वन एंड ओनली है, इनसाइड वैली वन एंड ओनली बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है टीयू का ये। केयू काठमांडू यूनिवर्सिटी है, इसका बहुत सारा कॉलेजेस यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन ये जो किस्ट का है वन एंड ओनली वन है। उसके बाद आपको इसका एक और फीचर्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है एमबीबीएस का, इसका टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कहने का मतलब कि 100 है, और बहुत दिन से ये मेडिकल कॉलेज है, एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं चला, मैंने थंबनेल पर लिखने की कोशिश करूंगा कितने दिन से है। हाँ, 100 सीट जो होता है उसमें से आपको ये 100 में से टोटल जो 10 10 ऑलमोस्ट 10 जो होता है स्कॉलरशिप सीट होता है नेपलीज बच्चे के लिए, या स्कॉलरशिप को हम लोग छोड़ते हैं डायरेक्ट उस पर आते हैं, 67 टोटल सीट नेपलीज के लिए रिजर्व है, ये नेपलीज के लिए है टोटल। और यहाँ पर आपको 33 जो सीट है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पर फॉरेन विदेशी बच्चे के लिए है, इसमें आपको इंडियन भी इंक्लूड होगा, इंडियन प्लस अदर कंट्रीज भी, अगर कोई इंडियन बच्चा है इसमें पढ़ना चाह रहा है तो ये कॉलेज बेस्ट ही रहेगा उसके लिए, कि काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का अंडर, और वन एंड ओनली कॉलेज है काठमांडू में। तो ये सारा फीचर हो गया, और जो इसका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आपको काफी अच्छा है देखने को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो मैंने, मेरे पास यहाँ पर स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता।
जैसे कि ये बोर्ड है, यहाँ पर आप किस्ट किस्ट का वेबसाइट चाहे किस्ट मेडिकल कॉलेज इन नेपाल सर्च कर सर्च करेंगे तो गूगल पर भी आपका आ जाएगा डिटेल, वहाँ पर आप देख सकते हैं मजा से पूरा कुछ। और यहाँ पर आपको बताया जैसे कि इसमें इसका अपना पर्सनल इसका पर्सनल हॉस्टल है, हॉस्टल 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 प्लस मेस भी आपको इसमें एंड मेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रहने का, और सारा चीज का जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद इसका अपना पर्सनल जो मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग वगैरह तो होता ही है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो वो सारा चीज़ है। और वीडियो नहीं बन लंबा ज़्यादा बनाना चाहूँगा, वन वर्ड में बोला जाए किस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए तो टीयू का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर काठमांडू यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वन एंड ओनली प्राइवेट में यही कॉलेज है काठमांडू में। तो अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं जैसे कि किस्ट मेडिकल कॉलेज में या MBBS इन नेपाल कहीं भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कोई मन में डाउट वगैरह क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में एक कमेंट होगा जहां पर हाईलाइट किया गया होगा, व्हाट्सएप नंबर मिस प्रिंट करके रखा होगा, वह आप डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर सकते हो। उससे अच्छा मैं यहां पर भी आपको एनी इंक्वायरी आपको किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में करना है तो आप इस पर इस नंबर पर +9 7 7 9 8 1 8 4 1 8 6 4 6 पर आप व्हाट्सएप कर या कॉल कर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। यही रहा मेरे जो बताने की प्रेजेंटेशन किस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में, और अच्छा बता सकते थे कि जब हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड या कहने मतलब कि प्रोजेक्टर वगैरह स्लाइड वगैरह होता तो लेकिन यहाँ पर इक्विपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ कोशिशें की हैं बताने के लिए, लेकिन किस्ट मेडिकल कॉलेज का जो पेशेंट फ्लो या इंफ्रास्ट्रक्चर्स या आप ये बोले लोकेशन बिल्डिंग रहने हॉस्टल मेस और आपको एयरपोर्ट से यहाँ का अगर काठमांडू पे है एयरपोर्ट से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेपाल में वन एंड ओनली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहने मतलब कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसका जो किस्ट मेडिकल कॉलेज का डिस्टेंस है वो आप फोर किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आपको अगर आप फॉरेन हैं किसी कंट्री से भी आते हैं तो जाने आने में भी एक्सेसिबिलिटी का या कनेक्टिविटी का भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा सुविधा यहाँ पर, और रहने का अगर आपका गेस्ट वगैरह भी आते हैं या आप कॉलेज विजिट भी करते हैं तो आपको रहने के भी बेस्ट सुविधा मिलेगा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और किसी भी कॉलेज के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं MBBS नेपाल लेने के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर दी गई नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है या यहाँ पर 9 7 7 9 8 1 8 4 1 8 6 4 6 नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपसे क्या दूँ, यहाँ काठमांडू नेपाल कोटेश्वर से बोल रहा हूँ आपको, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा काठमांडू ये कॉलेज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए या नेक्स्ट एनी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में लेकर डिटेल कि कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज कैसा है और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ेंगे तो क्या क्या फायदा आपको मिलेगा एंड प्राइवेट कॉलेज के भी बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।